यदि सम्स आउटलाइन ऑफ लीनियर अलजेब्रा का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो गो टू पीडीएफ पर जाएंगे और ये आप देख रहे हैं बिल्कुल फ्री हम लोग को इस बुक का पीडीएफ मिल गया और ये आप देख रहे हैं 432 पेज का है, ये 432 पेज जो है यहाँ पर हम लोग को डाउनलोड हो गया है। तो इस तरीके से आप किसी भी बुक का पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार YouTube चैनल MA क्लासेस के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे बुक्स का PDF ऑनलाइन अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। बहुत सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर मुझे किसी भी बुक का PDF अवेलेबल करवाने को कहते हैं, लेकिन आप उस बुक का अपने पसंद के बुक का PDF ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल पर या डेस्कटॉप पर या लैपटॉप पर, वो भी बिल्कुल फ्री। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे अपने पसंद के बुक का PDF आप डाउनलोड कीजिएगा। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। और अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर बनता है और आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर और मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे किसी भी बुक का PDF आप डाउनलोड कीजिएगा। किसी भी बुक का PDF डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर जाना होगा। गूगल पर आपको टाइप करना पड़ेगा PDF ड्राइव नेट टाइप करके हम लोग सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद ये पेज आपको खुलेगा जिसमें सबसे पहले ऊपर में आ रहा है PDF ड्राइव सर्च एंड डाउनलोड PDF फाइल्स फॉर फ्री। आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप इसके साइट पर पहुंच जाएंगे। आप देख रहे हैं ये PDF ड्राइव का साइट है। यहाँ पर सबसे ऊपर में आ रहा सर्च फॉर बुक्स ट्यूटोरियल्स मैनुअल्स एंड ऑथर्स। आप यहाँ पर किसी भी बुक को लिख करके सर्च कर सकते हैं जिसका भी PDF आपको डाउनलोड करना है। आप यहाँ पर टाइप कीजिए, जैसे मैं एक मैथमेटिक्स का टीचर हूँ तो एक मैथमेटिक्स का ही बुक के बारे में लिख रहा हूँ। लीनियर अलजेब्रा एक मैथमेटिक्स का बुक है तो लीनियर अलजेब्रा मैं लिख रहा हूँ। अब लीनियर अलजेब्रा लिख देने से लीनियर अलजेब्रा कई ऑथर का या कई पब्लिकेशन का मिल जाएगा आपको। अगर किसी खास पब्लिकेशन का चाहिए तो उस पब्लिकेशन का नाम भी लिख दीजिए। जैसे मैं एक सॉम्स सीरीज का बुक है तो सॉम्स सीरीज का लीनियर अलजेब्रा आता है, उसको मैं टाइप कर रहा हूँ सॉम्स आउटलाइन। तो देखिए यहाँ पर नीचे आ रहा है सॉम्स आउटलाइन का, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब सॉम्स आउटलाइन का लीनियर अलजेब्रा का यहाँ पर आपको बुक मिल गया, देख रहे हैं ये सॉम्स आउटलाइन का लीनियर अलजेब्रा है। और फिर एक और नीचे भी है सॉम्स आउटलाइन ऑफ लीनियर अलजेब्रा 5th एडिशन है ये। और उसके अलावा और भी यहाँ पर सम्स आउटलाइंस का बुक है। तो आपको जो भी डाउनलोड करना है यहाँ पर आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं सम्स आउटलाइन ऑफ लीनियर अलजेब्रा 5th एडिशन, ये न्यू है तो इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ, इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पेज खुल करके आ रहा है। और इस पेज में यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक प्रीव्यू और एक डाउनलोड। तो आपको डाउनलोड ऑप्शन में जाना पड़ेगा और डाउनलोड ऑप्शन में जाने के बाद ये कुछ चेकिंग करता है। तो ये चेकिंग करने के बाद फिर एक डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए अब हम लोग को मिल चुका है डाउनलोड PDF। अब यहां पर मैं क्लिक करूंगा तो ये PDF जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो अभी कुछ समय लगेगा, ये नेट के स्पीड पर डिपेंड करता है। ये डाउनलोड हो रहा है, ये 3.6 MB का PDF है और ये डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने में कुछ समय लग रहा है, आप यहाँ पर नीचे देख रहे हैं ये डाउनलोड हो रहा है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो डाउनलोड हो रहा है वो किस तरीके का पेज खुल करके आता है। अब ये कंप्लीट डाउनलोड हो गया है। अब ये डाउनलोड जो हुआ है वो हम लोग ओपन करके देख लेते हैं। तो सो इन फोल्डर में हम लोग जाते हैं। देखिए डाउनलोड सेक्शन में डाउनलोड हुआ है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। अब ये आपके सामने लीनियर अलजेब्रा का बुक है जिसका PDF हम लोग को बिल्कुल फ्री मिल गया। और नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आपको सारा पेज दिखेगा। जैसे ये कंटेंट मर पर अगर क्लिक करता हूँ तो कंटेंट दिख जाएगा, लिस्ट ऑफ सिंबल यहाँ पर है। फिर चैप्टर 1 पर क्लिक करता हूँ तो चैप्टर 1 जो है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो चैप्टर 1 को आप पढ़ सकते हैं PDF से। फिर चैप्टर 2 पर मैं जाता हूँ तो चैप्टर 2 आपको मिल जाएगा, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। फिर चैप्टर 3 पर जाता हूँ तो आप देख रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। या चैप्टर 4 पर जाता हूँ तो वेक्टर स्पेस। ये पूरा बुक आपको कंप्लीट बुक जो है वो यहाँ पर डाउनलोड हो गया।
तो इस तरीके से आप किसी भी बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पीडीएफ ड्राइव में जाना है और यहाँ पर सर्च करना है। आप जिस भी बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं उस बुक का नाम यहाँ पर टाइप कीजिए। अगर सिर्फ बुक का नाम टाइप करते हैं तो उस ऑथर का जितना भी बुक यहाँ पर अवेलेबल होगा सारा आ जाएगा। अगर आप ऑथर भी लिख देते हैं या पब्लिकेशन लिख देते हैं तो वो आपको बुक मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी बुक को बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक मेरा सजेशन है, आप अगर किसी बुक को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ फॉर्मेट से पढ़ना बहुत आसान नहीं होता है और उसको आपको स्क्रीन पर पढ़ना पड़ता है जिससे आँख पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए आप बुक को रखिए, फिजिकल बुक को रखिए। अगर वो ज़्यादा पढ़ना है तो आपको उस फिजिकल बुक को परचेज कर लेना ही ज़्यादा बेहतर होगा, उसके बाद आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ी बहुत बुक के बारे में जानना है या थोड़ा बहुत कुछ चीज़ देखना है तो आप उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो चैनल आप देख रहे हैं ये एक मैथमेटिक्स का चैनल है। मैं मैथमेटिक्स का ही वीडियो यहाँ पर अपलोड करता हूँ, वो भी हायर मैथमेटिक्स का। और एक मेरा ऐप्स भी है एमए क्लासेज, जो आप प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आप उस प्ले स्टोर से भी उस ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर किसी भी टॉपिक का सारा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर अवेलेबल करवाता हूँ। हालांकि वो पेड कोर्स होता है तो पेड कोर्स का कुछ फ्री वीडियो मैं यूट्यूब पर भी डालता हूँ, तो आप उस ऐप्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मिलेगा किसी भी कोर्स का पूरा कंप्लीट कोर्स का रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, साथ में पीडीएफ फॉर्मेट में उसका नोट्स भी मिल जाएगा। मैं वहाँ ऑनलाइन टेस्ट भी अवेलेबल करवाता हूँ, तो आप उस ऐप्स को भी डाउनलोड कर लें। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो जरूर उस ऐप्स को डाउनलोड कर लें। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका फ्रेंड्स भी जो है वो चाहते होंगे कि किसी भी बुक का पीडीएफ हम लोग डाउनलोड कर लें डायरेक्ट मोबाइल पर या लैपटॉप पर। तो आप अपने दोस्तों को भी ये एक हेल्प कर सकते हैं। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों को के साथ ताकि वो भी किसी भी बुक का पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। और अगर वीडियो पसंद आता है तो आप ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि किस तरीके का वीडियो आपको आगे चाहिए। मैं उस तरीके का वीडियो बना करके आपका हेल्प करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।